बनी चली गई। ये पूरा का पूरा दिन एक पृष्ठ था, वो उलट गया। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम, रावण का अपराजेय समर आज का। तीक्ष्ण सर विदित क्षिप्र कर वेग, प्रखरशत शेल संवरण शील नीलन भगर्जित स्वर। यह युद्ध कैसा था, पल पल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम भूह। विच्छुरित वह निराजीव नयन, हत लक्ष बाण, लोहित लोचन रावण, मद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण, वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। आप देखेंगे कि दो दो शब्द आते हैं राम और रावण के लिए। राघव लाघव, राम तेजी से बाण छोड़ रहे हैं, रावण वारण, और रावण ठीक उतने ही शब्द हैं बस। रावण वारण, रावण तुरंत काट देता है। गत युग्म प्रहर, दो पहर इसी में बीत गई। उद्धत लंकापति मर्दित कपितल बल विस्तर, उसके बाद बढ़त ले ली रावण ने। मुच सुग्रीवांगद भीषण गवाक्षकय नल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्षकय नल, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्षकय नल, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्धां बद्ध को दंड मुष्टि खर रुदित स्राव। वारित सौमित्र भल्लपति यगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रह्लाद क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वह्नि भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीम उर आशा हर रावण संवर। ये 18 पंक्तियां। ऐसा ये युद्ध था जो बंद हो गया, जिसमें केवल एक हनुमान थे जो ज्वालामुखी की तरह धधकते रहे, और बाकी राम तो फटी आंखों से सब बस देखते रहे। उनके सब के सब बाण रावण काट देता था, वो सब घायल हो गए। अब सेनाएं लौट रही है और निराला पीछे से कैमरा लगाते हैं। सेनाएं कैसे लौट रही है, दोनों का लौटना बिल्कुल भिन्न भिन्न है। लौटे युगदल राक्षस पदतल, पृथ्वी टल मल विद बहुल लास से बार बार आकाश विकल। आराम की सेना कैसे लौट रही है, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह चल रही। लख निज पति चरण चिन्ह, सेना के लोग नीचे देखते हुए चलते हैं, देखा है सेना के लोगों को चलते हुए सामने देखते हैं। लेकिन राम की सेना हारी हुई सेना है। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह चल रही, शीर की ओर स्थविर दल ज्यो विभिन्न। ऐसा चल रहे हैं कि आज पहुंचेंगे ही नहीं। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यो विभिन्न, प्रशीत है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल। सरोवरों में कमल अपनी नाल पर झूक गए हैं, और इधर वानर वीरों के भी चेहरे अपनी अपनी गर्दन पर डूबे हुए। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल। अब निराला कैमरा आगे लिया, सबसे आगे आगे कौन चल रहा है, सबसे आगे आगे कौन चल रहा है, राम की सेना के आगे आगे कौन चलेगा सबसे पहले, रघुनायक आगे अवनी पर नमन। रघुनायक आगे, नायक है ना आगे, रघुनायक आगे अवनी पर नमनीत चरण। एक वीर का कदम जैसे पड़ना चाहिए, उधर तो था राक्षस पद तल पृथ्वी टल मल। सेना जब कदम ताल करती है तो जानते हैं नहीं मिलिट्री साइंस में, जब पुल आएगा तो कदम ताल तोड़ दिया जाता है, क्योंकि तो पुल टूट सकता है। एक साथ जब धमक होगी तो वाइब्रेशन से पुल टूट सकता है। राक्षस पद तल पृथ्वी टल मल विद बहुल लास से बार बार आकाश निकल। उधर तो ये था, और इधर जब वानर वाहिनी धीरे धीरे पैर घसीट के चल रही है, उनका नायक रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। स्लथ धनुगुण है कटिबंध स्रस्त तूणील धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल
फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निशांधकार चमकती दूर ताराए ज्यों हो कहीं आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जांबवान आदि वानर सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नललील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने को वानर फिर आश्रय दल वानर दल फिर आश्रय दल रघुनायक बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए करपद छालनार्थ पटु हनुमान अन्य जो वीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर बैठे बैठे घेर कर बैठे क्या है राम को घेर कर बैठे आज्ञा को तत्पर कैसे बैठे हैं उस बैठने में एक सबका स्थान बना हुआ है पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर उनके चरणों पर तो एक ही आदमी का आरक्षण है हनुमान प्रांत पर पाद पद्म के महावीर अन्य यूथ पति जो यथास्थान हो निर्निवेश देखते राम का चित सरोज मुख श्याम देश अब राम क्या कहते हैं अंधेरा जो उतर रहा था अब गहराया ये घटना किस रात की है अमानिशा अमावस्या की रात की है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार उसकी पांडुलिपि यहां रखी हुई है भारत कला भवन में है ना उसको देखना निराला की हैंडराइटिंग में है उसमें लिखा हुआ था मेघांधकार निराला ने उसको काट के किया है घन अंधकार है अमानिशा अमावस्या की रात है घनघोर है यमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ध्यान अगर घनघोर अंधेरा हो ना तो आपको दिशा नहीं दिखाई देगी कि रेटिना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना उजाला कहीं से होना चाहिए अगर चारों तरफ अंधकार हो तो आप देख नहीं सकते कोई चीज भी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती ये मैंने अनुभव किया है कहां अनुभव किया है मैंने भारत की सबसे आधुनिक खान मुनिडीह में है उसमें कई मील धरती के नीचे जा करके और जहां कोयला खोदा जाता है आधुनिक ढंग से उसमें जब गए तब इंजीनियर ने कहा कि अपनी बेल्ट का बटन ऑफ करिए और जब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो एकदम अंधेरा हो गया तो ऊपर कोयला नीचे कोयला अगल बगल कोयला मशीनें कोयला ही खींच रही है सब काला काला उसने कहा अब आप लोग अपना अपना हाथ देखिए और सचमुच अपना हाथ जब आंखों के ले आए कुछ नहीं दिखाई दिया कुछ नहीं दिखाई दिया तो खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत पीछे गरज रहा यमुनि विशाल भूधर जो ध्यान मग्न केवल चलती जो पांचों महाभूत हैं वे शक्तियां इन दोनों शक्तियों में बंट गई है तो आकाश जो है वो रावण की ओर है उगलता गगन घन अंधकार और स्तब्ध है पवन चार वायु जो है वह राम के पक्ष का है लेकिन उसका हिलना डुलना बंद हो गया और समुद्र अप्रतिहत गरज रहा पीछे यमुनि विशाल वो रावण के पक्ष में भूधर जो ध्यान मग्न सीता भूमि की पुत्री है ना तो भूमि भी उनके पक्ष में है लेकिन वह चिंता में डूबा हुआ है केवल जलती मशाल
वो जो मशाल है आत्मा में जो जल रही है उसमें शंका ही शंका भरी हुई। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। रो नहीं हुआ आज तक हृदय उदम्य शांत, एक भी युद्ध लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता वह असमर्थ मानता उद्यत हो वह हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी, पृथ्वी तनया कुमारी का छवि चित्त याद आया, उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। प्रथम स्नेह का लतांतराल, लताओं की ओट से मिलना, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय। तन्मलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गी, याद छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्बार जो उठा हस्त। यही समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत दूर तक जाएगा। तो इस कविता में आप देखेंगे कि